हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार आपका स्वागत करता हूं कुमार प्रिंसिपल चैनल पर। और आज ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल है आपके आपके लिए एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम के रिगार्डिंग वीडियो है बिल्कुल, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल है। बिना देर करते मैं बता देता हूं आपको कि ये जो एक डेट आई है ये है आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन के बारे में, और आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन कैसे हुए हैं, कब के लिए, कब तक के लिए हुए हैं, ये सब जानने के लिए आप वीडियो में बने रहें और देखते रहें कुमार प्रिंसिपल चैनल को। सॉरी, ये मैंने ये गलती से हो गया था। तो और अब मैं आपको ले चलता हूँ वीडियो में अंदर। ये भी देखिए, आप वीडियो के आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल पोस्टपोन टिल फर्दर। मैं इसको आपको जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से दिख जाए। ये देखिए, मैं इस टाइम डीयू रेगुलर पे ये नोटिस आया है, ना कि एसओएल पे आ जाकर चेक करें। ये डीयू जो रेगुलर है हमारा, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नोटिस आया है। तो ये नोटिफिकेशन आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल पोस्टपोन टिल फर्दर नोटिस ऑर्डर्स, है ना। तो अब हम इस नोटिफिकेशन को ओपन करते हैं और बिना करते हुए देखते हैं क्या 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 नोटिफिकेशन है हमारे लिए और क्या क्या अपडेट्स हैं, तो जो वो जानते हैं। ये देखिए, आप दिल्ली विश्वविद्यालय की रेगुलर वेबसाइट है, मैं पहले बता चुका हूँ आपको, ये ना कि एसओएल वेबसाइट है। तो प्लीज़ आप ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर देखें तो डीयू की रेगुलर ऑफिशियल वेबसाइट पर देखें। और मैं आपको बता दूँ, डीयू जो भी अपडेट्स देता है वो सारे जो नॉन कॉलेजेस हैं या फिर एसओएल है वो सारे कॉलेजेस फॉलो करते हैं। तो आपको उसमें दो राय नहीं है कि भाई एसओएल रेगुलर में आया है, एसओएल में नहीं आया। तो आपको मैं बता दूँ, ये एसओएल रेगुलर एनसीवेप सब स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो आप बिना देर करते हुए सब आप नोटिस पर थोड़ा ध्यान दें। ये देखिए, नोटिस 9 अप्रैल में आया हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर दिल्ली 9 अप्रैल 2020 नोटिफिकेशन है ना, और ऑफिस ऑफ द डीन एग्जामिनेशन, ये भी आपने पढ़ लिया। अब हम चलते हैं अपनी नोटिस की तरफ। नोटिस हमारा ये रहा, इसमें लिखा हुआ है एक मिनट इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लूँ ताकि अच्छे तरीके से आपको दिख जाए। ये रहा, इन कंटिन्यूशन ऑफ द ऑफिस ऑर्डर नंबर एस्टेब्लिश इज 330 COVID-19 M 2020 एंड डेटेड 19/3/2020 एंड दिस ऑफिस नोटिफिकेशन डेटेड 25/3/2020। इट इज़ नोटिफाई फॉर इन्फॉर्मेशन ऑल कंसर्न, है ना, यहाँ पर आप पढ़ लें, ऑल कंसर्न डेट ऑल टाइम यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, है ना, यूनिवर्सिटी थ्योरी एंड प्रैक्टिकल ऑफ द स्टूडेंट्स रेगुलर कॉलेजेस स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग एंड नॉन कॉलेजेट वुमेन एजुकेशन, है ना। मैंने बोला था आपको रेगुलर कॉलेजेस स्कूल ऑफ लर्निंग और नॉन कॉलेजेट वुमेन एजुकेशन सब स्टूडेंट्स के लिए है वीडियो और अपडेट। तो बस अब देखते हैं आगे क्या है। बोर्ड एंड एक्सेस स्टूडेंट्स आर हेयर बाय पोस्टपोन टिल फर्दर नोटिस ऑर्डर्स एंड द वेरियस डेट शीट इशूज इन द रिगार्ड स्टैंड्स विदड्रो द फ्रेश डेट शीट ऑफ फॉर द ऑल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन शॉल बी नोटिफाइड लेटर। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, सही से दिख रहा होगा, शॉल बी नोटिफाइड लेटर। अब मैं इसका मतलब आपको समझा दूँ, आप पढ़ चुके होंगे, समझ आ चुका होगा, फिर मैं मेरा फर्ज है कि मैं आपको समझाऊँ। ये देखिए, इसमें बताया गया है आपके जितने भी थ्योरी एंड प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम थे, है ना। पहली बात तो ये, क्योंकि वैसे प्रैक्टिकल तो एसओएल में है नहीं बट रेगुलर में है, तो जितने भी थ्योरी प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम थे एस रेगुलर एस जो और रेगुलर के एसओएल के एनसीवेप के सब के जितने भी थे, उनकी जो डेट्स है एग्ज़ाम की वो अभी के लिए फ़िलहाल के लिए पोस्टपोन कर दी गई है। और ये कब तक पोस्टपोन होगी और कब एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे इसकी कोई क्लैरिफाई नोटिफिकेशन या फिर कोई मतलब क्लियर वो अपडेट्स नहीं हैं। तो बस आपके अभी के लिए इतना अपडेट है कि आपके जो एग्ज़ाम थे, चाहे वो मई के अप्रैल के लास्ट में होने वाले थे या फिर मई के लास्ट स्टार्टिंग में या फिर जून में, मतलब कभी भी थे, वो सारे एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिए गए हैं। और इसकी जो नई डेट्स आएंगी वो ऑफिशियल की इसी वेबसाइट पर आएंगी, इन्होंने लिख रखा है। ये देखिए, ऑल कंसर्न आर हियरबाय रिक्वेस्टेड टू स्टे कनेक्टेड, यहाँ पर कनेक्टेड रहें आप एग्ज़ाम वो एसओएल की वो एसओएल कह रहा हूँ मैं सॉरी ऑफिशियल वेबसाइट के साथ, इनकी डीयू की ऑफिशियल वेबसाइट के कनेक्टेड रहें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। और बस मैं आपको एक पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ। ये देखिए क्या हुआ, इन्होंने एग्ज़ाम अभी के लिए पोस्टपोन कर दी है, पहली बात ये। दूसरी बात, ये कब तक के लिए की है ये कंफर्म नहीं है। और तीसरी बात, इसकी जो नई डेट आएंगी वो एसओएल की वो एसओएल फिर मैं बोल रहा हूँ यहाँ ये जो इसकी जो नई डेट्स आएंगी वो इसी वेबसाइट पर इसी अपडेट मतलब अपडेट्स के थ्रू आपको मिल जाएगी नई डेट शीट, है ना। और मेरे को और चौथी बात कि सारे स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल कंसर्न, है ना, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं ऑल मतलब सारे स्टूडेंट्स, चाहे वो बीकॉम ऑनर्स या फिर किसी भी इसमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट कोर्स का नाम नहीं दिया गया। तो बस आप समझ जाएँ कि ऑल स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो प्रोग्राम
SOL वो सॉरी प्रोग्राम ओनर्स या फिर किसी भी मतलब फोर्स में थे वो सबके लिए स्टूडेंट्स के लिए है, ये बात भी कंफर्म हो गई आपको। और एक नई डेट्स जब आएंगी तो मैं आपको बता दूंगा। प्लीज़ आप कनेक्टेड रहें हमारे चैनल के साथ और बने रहें। तो प्लीज़ आप इस और भी ऐसी नोटिफिकेशन और अपडेट्स देखने के लिए मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। और बस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।